कैसे दिया जाता है। चलो आज मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो हम देखिए, मैं आपके सामने बताता हूँ सिंपल सा, कोई भी टैक्स मैटर आप राइट करिए जिसमें आप ग्लॉजी इफेक्ट देना चाहते हैं। तो मैं आपके सामने टैक्स मैटर राइट कर रहा हूँ, ये मैंने टैक्स मैटर राइट किया और मैं इसका थोड़ा साइज पिक करके, कॉर्नर पिक करके इसका साइज बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। बहुत ईजी है, आप बड़े ध्यान से देख के सारा चीज़ समझ में आएगा। और आप यहाँ से इसका जो भी स्टाइल्स फॉन्ट है वो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरह का फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का नहीं करना चाहते। तो सिंपल सा कोई भी टेक्स्ट मैटर लिखिए और जैसे आपकी डिजायर, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस तरह का यहाँ से फॉन्ट लिस्ट में से आप फॉन्ट सेलेक्ट करिए जैसा स्टाइल आपको पसंद है। बिल्कुल टैक्स मैटर कुछ भी हो सकता है, इसका यूज़ किया जाता है मैगजीन की हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई पोस्टर्स वगैरह होते हैं उसमें हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कम्प्लीटली। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशनल आउटलुक कैसा है, आप किस पर्पज़ से उसका यूज़ करना चाहते हैं, वो सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और अब इसमें थोड़े थोड़े अलग अलग चेंजेस करके हम अलग अलग इसमें ग्लॉज इफेक्ट दे सकते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ से मैं देखिए, जो भी आपको पसंद हो फॉन्ट आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और जितना साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ से जैसा आप चाहते हो वैसा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने टैक्स लिखा कम्प्लीटली, ठीक है। टैक्स लिखने के बाद मेरे को क्या करना है, मैं सिंपल से चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसका कलर कोई सा भी येलो वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ में इसका डुप्लीकेट करिए, यानी कीबोर्ड से अगर आप प्लस करेंगे तो इसका ये डुप्लीकेट इस तरह से बन जाए। इसको साइड में रख दीजिए डुप्लीकेट बनाने के बाद में, और इसके कलर को यहाँ से नन कर दीजिए और आउटलाइन ले लीजिए, ठीक है। आउटलाइन के लिए अप्रॉक्स 6 to 8 पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं 8 पॉइंट लेता हूँ इसके आउटलाइन के लिए। इस तरह से मैंने 8 पॉइंट आउटलाइन के लिए। और इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आप शैडो टूल सेलेक्ट करिए, आपका शैडो टूल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में, शैडो टूल सेलेक्ट करने के बाद में, जो आपका टैक्स मैथ है, जो आपने ये जो एक अलग से टैक्स मैथ टाइप किया, इसको बीच में से पकड़िए। जो आप बीच में से पकड़ेंगे इसका एक सेटिंग निकलेगा और वो आपका जो पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे रख दीजिए। बिल्कुल जो आप रखेंगे तो उसका एक सेटिंग बन के आपके सामने आ जाएगा। अब डिपेंड करता है जो आप सेटिंग बना रहे हैं उसका कलर क्या चाहिए। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक आ रहा है, ब्लैक नहीं चाहिए आपको सेटिंग का कलर। यहाँ से देखिए ऊपर ये आपका प्रॉपर्टी बार है, यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार से चाहे तो यहाँ पे सेटिंग का कलर चेंज कर, जैसे भी आप रिकॉर्ड वो कलर आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू रेड ग्रीन जो भी आप चाहते हैं। यहाँ से अभी हम बाय डिफॉल्ट का ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्लैक ले लिया और यहाँ से करके मैंने नॉर्मल कर दिया। अब उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे आइए देखिए, इसमें क्या है, फैदरिंग डायरेक्शन से जो आपके जो शैडो फैदर होती है वो किस डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे मिडिल कर दिया। आप चाहे इसमें अलग अलग है आप उसका यूज़ करके देख सकते हो। मिडिल के बाद फेदर कितना चाहिए, यानी कि आपका जो शैडो उसका स्प्रेड कितना चाहिए, मैंने यहाँ पे लैपटॉप 7 कर दिया। और उसका ऑपोसिटी कितना चाहिए, आप यहाँ से ऑपोसिट डिसाइड कर सकते हैं, मैंने ऑपोसिटी 30 कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपका ये था आ गया कम्प्लीटली। अब आपको क्या करना है कि देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव कर, मैं इसको मूव करता हूँ, देखिए ये जो शैडो इस नीचे वाले टैक्स मैटर के साथ में जुड़ा हुआ, मैं इसको क्या करूँगा, शैडो और टैक्स मैटर को ब्रेक कर लूँगा। ब्रेक कैसे करना है, अरेंज में जाइए, सॉरी शैडो को सेलेक्ट करिए, अरेंज में जाइए और इसको ब्रेक ड्रॉप शैडो कर दीजिए। तो ये आपका टैक्स मैटर अलग हो जाएगा और आपका ये शैडो अलग हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया। अब आपको क्या करना, इस शैडो को सेलेक्ट करना है और आप इफेक्ट में जाइएगा और इसमें पावर क्लिक है और यहाँ पे क्लिक करिए प्लस इनसाइड फ्रेम और इस टैक्स मैटर पे क्लिक करिए। अब देखिए ये मैसेज है, द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्ट इज इनवैलिड, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ये जो आपका टैक्स मैटर है अभी टैक्स मोड में है, इसको आपको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप अरेंज में जाइए और यहाँ पे करिए कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। अब वापस से आप शैडो को सेलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप पे क्लिक करें और अब आप क्लिक कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, पर देखा हुआ क्या एक्चुअली कि जो आपने इसमें शैडो प्लेस किया है वो आपको दिख नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करना है, इसको एडिट करिए। एडिट आप चाहते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट और आप पावर क्लिप में जाके यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते, या फिर डायरेक्टली आप कंट्रोल की पुश करके रखिए और इस पर टैक्स मैटर डबल क्लिक करिए। तो जो आप इस पर क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक से डबल नहीं, तो इस तरह से आपका पावर क्लिप आपका एडिटिंग मोड में आ जाएगा। और आप इसको सेलेक्ट करें इस तरह से और जहाँ पे भी आप इसको पोजीशन देना चाहें वो आप पोजीशन दे सकते हैं, जैसे मैंने ये पोजीशन दी। और इसी के साथ में क्या करना, ये ब्लैंक एरिया है यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। तो देखिए आ गया आपका सेटिंग है,
आप इस शेडो में थोड़ा वो चेंज करना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो वापस से कंट्रोल की के साथ क्लिक करें, के साथ क्लिक की तो वापस आप एडिटिंग मोड में आ जाए। आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है तो वापस शेडो को चेंज करिए और आप देखिए इस तरह से थोड़ा वो चेंज करेंगे, आपको लगता है परफेक्ट चेंजेस है तो वापस से आउटसाइड कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो देखिए आपका शेडो का डायरेक्शन चेंज हो गया। और आप चाहते कुछ चेंजेस करना है वापस से कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, शेडो का डायरेक्शन में थोड़ा सा इधर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इतना नहीं, ठीक है इस तरह से, और वापस से आउटसाइड ब्लैक एरिया यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर देखिए चेंज हो गया। इसी के साथ हम थोड़ा सा और वर्क करते हैं, जैसे ये ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं टैक्स मैटर, इसमें जो बिल्कुल ये इस तरह से जो शेडो आ रही और वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जो आपका टैक्स मैटर अलग से आपने ड्रॉ किया था, इसी का आउटलाइन यहाँ से थोड़ा और बिग कर दीजिए, यहाँ पर करीब 10 पॉइंट कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है, और ज़्यादा करना चाहे और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, या अप्रोक्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे 12 पॉइंट अप्रोक्स कर देता हूँ। और इसी के साथ में क्या करना, वापस आने के लिए और इसको कर दीजिए कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करिए, तो देखिए इस तरह से आउटलाइन, इस तरह से आपका आउटलाइन एक सेपरेट निकल गया बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट है, तो एक बार क्या करता हूँ मैं आउटलाइन ऑब्जेक्ट किया कि इसको यहाँ पे आया रेंज में, इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेक के साथ में वापस आने में जाके इसको वेल कर देता हूँ, ये देखिए वेल कर देता हूँ, वेल करने के बाद में एक बार इसका कलर नन कर देता हूँ, हल्का सा आउटलाइन लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस तरह का शेप आपको प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, इस जो आपने ग्लोजी मैटर बनाया और इस आउटलाइन को सिलेक्ट करें इस तरह से, और इसको सी और टी कर दे बिल्कुल सेंटर में आ जाए, थोड़ा जूम कर लीजिए इसको इस तरह से। जूम करने के बाद में क्या करिए कि ये जो आपका आउटलाइन मैटर है, ठीक है, इसमें आप येलो कलर फिल कर दीजिए, और देखिए येलो कलर फिल करते हैं क्या हुआ, एक्चुअली ये फ्रंट पे ऑब्जेक्ट था तो बेटर रहेगा कि एक्चुअली जो आपका ग्लोजी मैटर है इसको आप सेलेक्ट करें एक बार और इसको फ्रंट में ले आए इस तरह से, और वापस इस आउटलाइन जो बने हुई है उसको सेलेक्ट करें, कलर फिल करें और आउटलाइन यहाँ पर ब्लैक कर दीजिए, वाइट कर दीजिए। तो वाइट कितना मोटा चाहिए, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इस तरह से आप इसका कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप या फिर ग्लोजी मैटर बन जाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप ऑफिस में रुक से थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने आइडिया से और भी डिफर डिफर इसमें इफेक्ट दे सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट जैसे आप चाहे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें पेज भी बताया था, इस तरह से बनाया और यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया बिल्कुल। और इसी के साथ में देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले वाला मैं इसको मैंने किया यहाँ पे रख, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ग्लोजी लिखना आप लिख सकते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट मैच, ठीक है। और पॉइंटर टूल लिया, इसको थोड़ा आपने ड्रैग किया पकड़ के इस तरह से, और यहाँ से फॉन्ट्स जैसी भी आप चाहते हो यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है बिग करना चाहें आप बिग कर सकते हैं इस तरह से, जितना भी आप चाहें इस तरह से, ठीक है। सेलेक्ट करें बैकग्राउंड सी कर दीजिए, सेंटर में हो जाएगा, कलर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से आप ये टूल ले लीजिए, आप 3.5 टूल यहाँ से लेना चाहते हैं, पकड़ के ड्रैग कर लो इस तरह से, छोड़िए या आपका कर्व साथ साथ रोटेट हो रहा है इस तरह से छोड़ दीजिए, फिर वापस क्लिक करें और यहाँ तक क्लिक करें, ठीक है। और जिस तरह का आप देना चाहें इफेक्ट वो आप यहाँ पर इफेक्ट दे सकते इस तरह का, जो भी कलर फिल करना चाहें वो आप फिल कर सकते हैं इस तरह से, और नीचे आप इफेक्ट ऐड कर दीजिए। इसका आप चाहें तो फोन चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जो भी फोन जो भी आपको पसंद हो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्लोजी इफेक्ट का अपने प्रोफेशनल वर्क में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में राइट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।